Hey everyone, welcome back. हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक जर्मन अमेरिकन लव स्टोरी मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है द रीडर। ये फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10, विच इज़ प्रिटी गुड। इस फिल्म में प्यार को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है एंड इसकी कहानी बहुत ही प्यारी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नाउ विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम किसी अनजान शख्स को देख पाते हैं और जिस औरत के साथ वो रात को सोया होता है वो सुबह वहाँ से चली जाती है। फिर इस सीन में हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है माइकल नाम के इंसान की, और वो 15 साल का होता है और ये दौर था पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का। माइकल घर से स्कूल जा रहा होता है, बट अचानक ट्राम में बैठे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो उतर कर पास एक लेन में खड़ा हो जाता है एंड वहाँ पे वो वॉमिट करता है। बट तभी अचानक एक लेडी वहाँ आती है, उसकी खराब हालत देख उसे साफ करती है एंड फिर उसे घर तक छोड़ देती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं माइकल को देखने डॉक्टर आए थे और वो बताते हैं उसे स्कारलेट फीवर हुआ है, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज है एंड इस वजह से माइकल को 3 महीने तक कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाता है। फिर 3 महीने बाद माइकल अपनी मदर को बताता है कि एक लेडी ने उस दिन उसकी हेल्प की थी और ठीक होने के बाद माइकल उसी लेडी के घर फ्लावर्स लेकर उसे थैंक यू कहने जाता है। पर वहाँ पे वो उस लेडी को कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है और तभी वो लेडी भी उसे देख लेती है। ये देख माइकल घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन वो दोबारा वहाँ आता है और वो लेडी उसे देख उसकी हेल्प मांगती है। वो कहती है, क्या तुम 2 बकेट कोल नीचे से ला सकते हो, और वो तुरंत उसके लिए कोल ले आता है, पर इसमें माइकल गंदा हो चुका था। ये देख लेडी कहती है, अपने कपड़े उतारो माइकल और नहा लो, पर वो बहुत शर्मा जाता है। बट फिर भी माइकल अपने सारे कपड़े उतार कर नेकेड हो जाता है एंड तभी वो लेडी भी पीछे से नेकेड होकर आती है और माइकल को सीड्यूस करती है। पहले सीन में हम देख पाते हैं माइकल घर वापस आ चुका था और रात को डिनर करते वक्त वो उस लेडी के साथ बिताए पलों को याद कर रहा था, जिसे देख उसके परिवार वालों को बहुत अजीब लगता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, माइकल 15 साल का था और वो लेडी 36 ईयर्स की। फिर दिखाते हैं माइकल रोज़ सुबह स्कूल जाता है और वहाँ से अपने घर आने के बजाय वो उस लेडी के घर जाने लगता है और हर रोज़ उन दोनों के बीच लव मेकिंग होता था। इवन धीरे धीरे माइकल अपने घर जाना बिल्कुल छोड़ देता है और हर रात उसी लेडी के घर घुसाता था। और ऐसे एक दिन माइकल उस लेडी से उसका नाम पूछता है एंड वो बताती है उसका नाम है हैना। और फिर वो लेडी पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे, और वो अपना नाम माइकल बताता है। फिर हर रात वो लोग लव मेकिंग सीन के बाद एक बुक रीड करते थे एंड माइकल अपने स्कूल लाइब्रेरी से बुक लाया करता था और उसे पढ़कर हैना को सुनाता था, क्योंकि हैना को बुक्स रीड करना पसंद नहीं होता बट माइकल की आवाज़ सुनना उसे बहुत अच्छा लगता था। और जैसे जैसे उनकी रिलेशनशिप बढ़ती है उन्हें फाइट्स भी होने लगती है, बट हर बार माइकल सॉरी बोलकर हैना को मना लेता था। फिर एक दिन वो दोनों साइकिलिंग करते हुए घूमने जाते हैं एंड वहाँ खाने के बाद माइकल बिल पे कर रहा था और वो रेस्टोरेंट लेडी कहती है, उम्मीद करती हूँ आपको और आपकी मदर को खाना पसंद आया होगा। ये सुन माइकल हैना को उस लेडी के सामने किस करता है, ये शो करने कि उसकी मदर नहीं बल्कि उसकी लव है। फिर दिखाते हैं एक दिन माइकल को अपनी नई क्लासमेट में क्रश डेवलप हो जाता है, पर वो तब भी उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो हैना से प्यार करने लगा था। अगली सीन में हैना को दिखाते हैं एंड हमें पता चलता है वो एक ट्राम कंडक्टर है। उसके अच्छे परफॉर्मेंस को देख उसका प्रमोशन हो जाता है, जिसके लिए उसे शहर छोड़कर जाना पड़ेगा एंड इस बात से हैना बहुत उदास थी। पर वो तब भी किसी को भी कुछ बताए बिना अचानक एक दिन घर छोड़ के चली जाती है एंड जब माइकल स्कूल से भागता हुआ घर आता है तो उसे हैना वहाँ पर नहीं मिलती और ये देख वो बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है एंड फिर उसे वापस अपने घर लौटना पड़ता है जहाँ वो हफ्तों से नहीं आया था। फिर अगले सीन में हम उसे एक तालाब के पास देखते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था, मानो जैसे उसकी ज़िंदगी का एक पार्ट उसे छीन लिया गया हो और वो पानी में तैरने चला जाता है। दूसरी तरफ हमने फिल्म की शुरुआत में जिस इंसान को देखा था उसे दोबारा देख पाते हैं एंड दोस्तों, ये शख्स और कोई नहीं बल्कि माइकल खुद था, जो बड़ा हो चुका होता है और वही हमें ये कहानी सुना रहा होता है। फिर वो अपनी डॉटर जूलिया से मिलने जाता है, उसके साथ डिनर करने के बाद वो अपने कार में दोबारा अपने पास्ट को याद करता है और अब हम 15 नहीं बल्कि 23 साल वाले माइकल को देख पाएंगे। उसके एक लॉ स्कूल में एडमिशन हो गया था एंड उसके प्रोफेसर उसे और बाकी स्टूडेंट्स को सेमिनार अटेंड करने ले जाते हैं, जिसे वो कोर्ट के ट्रायल को सुनकर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले पाए।
फिर वो सभी लोग सेमिनार अटेंड करते हैं और वह जज मिस हैना स्मिथ्स को बुलाते हैं। और ये नाम सुन माइकल कम्प्लीटली शॉक हो जाता है कि आखिर हैना यहाँ क्या कर रही है। फिर जज हैना और वहाँ मौजूद बाकी अक्यूज का नाम कॉल आउट करते हैं। एंड दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है हैना और बाकियों पे 300 ज्यूज को मारने का केस चल रहा था। दरअसल हैना और बाकी अक्यूज अभी से 20 साल पहले एसएस गार्ड रह चुके थे और उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। एंड एक चर्च जहाँ आग लगी हुई थी वहाँ पे सारे ज्यूज बंद थे, पर कोई भी एसएस गार्ड्स उन्हें बचाते नहीं। एसएस गार्ड का मतलब नाजी शर्टस्टेफल गार्ड से है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ज्यूज को कंसंट्रेशन कैंप्स में मारा करते थे। हर एक गार्ड हर महीने कुल 10 ज्यूज को भेजा करते थे और कंसंट्रेशन कैंप में उन्हें मार दिया जाता था। एंड हैना और बाकियों पे इसी जुल्म का मुकदमा चल रहा था। इवन सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि हर एक एसएस गार्ड को पनिश किया जा रहा था जिसने कंसंट्रेशन कैंप पे ज्यूज को मारा होता है। जज फिर हैना से पूछते हैं, क्या तुमने इन सब में पार्ट लिया था? और हैना हाँ कहती है। तभी वहाँ पे इन सब के आई विटनेस को भी बुलाया जाता है, जो कि 300 ज्यूज में से एक अकेले जिंदा बचे थे। एंड फिर इलेना मदर और उनकी मॉम वहाँ आते हैं। इलेना और उसकी मॉम इसकी सोल सर्वाइवर रह चुके थे और उन्होंने सब पे एक बुक भी लिखी होती है जिसमें सारे गार्ड्स के क्रूएल बिहेवियर के बारे में लिखा होता है। एंड यहाँ स्पेशल मेंशन था हैना का, जो कि बाकी गार्ड से अलग होती है क्योंकि वो रैंडमली 10 लोगों को सिलेक्ट करने के बजाय पहले लोगों से बुक रीड करने कहती थी और जो उसे रीड करके ना सुनाए उसे कैंप भेजने के लिए सिलेक्ट करती थी। एंड सुन माइकल का दिल दहल जाता है कि जिस हैना से वो प्यार करता था वो उसे मिलने से पहले एक कातिल रह चुकी थी। बट तभी वहाँ मौजूद बाकी अक्यूज्ड एक प्लान बनाते हैं और हैना को फंसा देते हैं। वो सारे कहते हैं हैना ने अकेले ये सब किया है और हमारे इसमें कोई हाथ नहीं, पर हैना इस बात को मानने से साफ इनकार करती है। और ये देख जज हैना से कहते हैं, आप अपना हैंडराइटिंग टेस्ट दो जिससे ये प्रूफ हो सके ये लेटर कौन से एसएस गार्ड ने लिखा है। बट हैंडराइटिंग की बात सुनते ही हैना मान लेती है कि उसी ने ये ऑर्डर्स दिए थे एंड वही गिल्टी है। एंड दोस्तों तभी हमारे सामने एक राज खुलता है। माइकल हैना और अपना पास्ट याद कर रहा होता है कि आज तक हैना ने कभी भी उसके सामने बुक्स रीड नहीं किए थे, इवन वो उससे ही हमेशा रीड करने कहती थी और इसका रीज़न था उसकी इलिटरेसी। जी हाँ दोस्तों, हैना इलिटरेट थी और इसी वजह से वो अपनी हैंडराइटिंग टेस्टिफाई नहीं करवा पाती क्योंकि उसे लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। बट वो पब्लिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे शर्म आ रही होती है और इस बात को छुपाने वो उस गुनाह को मान लेती है जो उसने किया ही नहीं। फिर दिखाते हैं तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जज अनाउंस करते हैं कि बाकी अक्यूज्ड को 4 साल की सजा होगी और हैना को उम्र कैद क्योंकि उसका जुल्म सबसे बड़ा था। एंड हैना को सजा मिलता देख माइकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अपने प्रोफेसर को बता देता है कि हैना इलिटरेट है और इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट करने में एम्बेरस फील कर रही है, इसलिए उसने ऐसा गुनाह कबूल कर लिया जो उसने किया ही नहीं। पर प्रोफेसर कहते हैं अब कुछ भी किया नहीं जा सकता क्योंकि हैना ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है, तो तुम भी अब ये सब भूल जाओ। फिर रात को माइकल अपनी क्लासमेट के साथ इंटीमेट होता है जो उसकी तरफ अट्रैक्टेड थी, बट आधी रात को ही वो उठकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरे दिन माइकल प्रिजन पहुँचता है एक लास्ट बार हैना से मिलने, पर वो हिम्मत जुटा ही नहीं पाता और वहाँ से भाग आता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं माइकल की शादी हो जाती है, उसकी बेटी होती है जूलिया नाम की, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से उसका डिवोर्स भी हो जाता है। हम एज एन ऑडियंस समझ पाते हैं माइकल के बचपन ने उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा था जिसे वो अभी तक उभर नहीं पाया था। फिर अपनी डिवोर्स वाली बात बताने माइकल अपनी मॉम से मिलने अपने होम टाउन जाता है एंड वहाँ से लौटते वक्त वो कुछ बुक्स भी रख लेता है जिन्हें वो हैना को बचपन में पढ़ के सुनाया करता था। एंड तभी माइकल को एक आइडिया आता है कि वो इन बुक्स को ऑडियो टेप बनाकर जेल में हैना को भेजेगा जिससे वो भी पढ़ना लिखना सीख जाए। एंड प्रिजन में जब हैना को ये टेप्स मिलती है वो पहले तो हैरान थी, पर माइकल की आवाज़ सुन मानो जैसे उसके अंदर एक अलग सी खुशी आ जाती है। फिर हैना उन ऑडियो टेप्स वाली बुक्स को प्रिजन लाइब्रेरी से बोरो करती है और फिर ऑडियो की मदद से पढ़ना और लिखना सीखती है। इवन वो माइकल को लेटर्स भी भेजती है जिसमें उसकी बच्चों जैसी हैंडराइटिंग थी, और माइकल एक भी लेटर का रिप्लाई नहीं देता, बस वो उसे ऑडियो टेप्स भेजा करता था। दरअसल वो हैना के प्रति सिंपैथी तो फील करता था पर उसे बहुत गुस्सा था क्योंकि हैना ने उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। उसके साथ बिताया बचपन आज से उसके मन में कैद है और वो उन थॉट्स को भुला नहीं पाता। फिर कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं एंड एक दिन प्रिजन ऑफिशियल माइकल को कॉल कर कहती है हैना को उसके अच्छे बिहेवियर के लिए जल्दी रिलीज कर दिया जा रहा है, पर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या आप उसकी मदद करोगे? एटलीस्ट उसे एक जॉब और छोटा सा घर दिलवा दीजिए
जिससे वो अपनी बाकी लाइफ बिता पाए। पर माइकल कोई भी प्रॉपर रिप्लाई नहीं देता, तो ऑफिशियल रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ अब उसके इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर आप भी उसे छोड़ दोगे तो वो मारी जाएगी। एडिसन माइकल कुछ दिनों बाद हैना से मिलने आता है और हैना उसे देख बहुत ज़्यादा खुश थी। दोनों बूढ़े हो चुके थे एंड हैना माइकल से उसके बारे में पूछती है, तो माइकल बताता है उसकी शादी हो गई बट टिकी नहीं एंड उसकी बेटी भी है। पर यह माइकल का बिहेवियर हैना के प्रति बहुत ही कोल्ड एंड डिस्टेंट था और वो ये कहकर चला जाता है कि मैं एक हफ्ते बाद तुम्हें लेने आऊँगा और तुम्हें एक टेलर की जॉब मेरे फ्रेंड के यहाँ मिल जाएगी एंड एक रूम भी तुम्हें रेंट पे मिल सकता है। और माइकल का ऐसा बिहेवियर देख हैना को बहुत बुरा लगता है। फिर एक वीक बाद माइकल हैना को लेने आता है एक फ्लावर के साथ, बट दोस्तों वह हैना नहीं थी, दस उसने एक रात पहले ही आत्महत्या कर ली। और ये देख माइकल वहाँ बैठकर बहुत रोता है एंड फिर प्रिजन गार्ड्स माइकल को हैना का सुसाइड नोट पढ़कर सुनाते हैं और हैना ने लिखा होता है, हेलो डियर माइकल, मैंने यहाँ एक कैन छोड़ा है जिसमें कुछ पैसे हैं और मेरी तुमसे एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन पैसों को इलेना मदर को दे दो, यानी कि चर्च फायर की सोल सर्वाइवर को। वो कहती है, तुमने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया और मैंने इलेना की लिखी बुक पढ़ी जिसमें मुझे उसके दर्द और दुख के बारे में पता चला और ये मेरी तरफ से सॉरी है। फिर माइकल इलेना से मिलने जाता है और उसे इन सब के बारे में बताता है, इवन वो अपनी और हैना के बचपन के अफेयर का भी जिक्र करता है। पर इलेना पैसों को नहीं लेती, बस वो कैन को ले लेती है, क्योंकि आज तक भी इलेना के मन में वो डर था, पर वो ये भी जानती थी कि इन सब में अकेली हैना का दोष नहीं था। फिर माइकल को वहाँ पर एक आइडिया आता है कि वो इन पैसों को हैना के नाम से किसी ज्यूइश लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर देगा। लास्ट सीन में हम देख पाते हैं माइकल अपनी बेटी जूलिया के साथ हैना के ग्रिफ के पास जाता है और वहाँ वो अपनी बेटी को ये पूरी कहानी नरेट करता है जिसे हमने इस फिल्म में देखा, और यहाँ ये फिल्म एंड हो जाती है। ये फिल्म कई सारे एलिमेंट्स को शो करती है, लाइक बचपन में हुए इंसिडेंट्स पूरी ज़िंदगी आपका साथ नहीं छोड़ते। इवन हैना ने अपने इलिटरेट होने का सच इसलिए छुपाया क्योंकि वो एम्बेरस फील करती थी, जो कि उसकी लिटरेसी के प्रति इग्नोरेंस को शो करता था। वो चाहती तो माइकल से पढ़ना लिखना सीख सकती थी बट वो इसे चूज़ नहीं करती। ये फिल्म की कहानी और एक्टिंग बिल्कुल नेक्स्ट लेवल थे, इवन इसे रियलिटी से बहुत ही करीब रखकर बनाया गया था। इट्स माई हाइएस्ट रिकमेंडेशन कि आप एक बार इस बेहतरीन फिल्म को ज़रूर देखो एंड इसका लिंक आप उसे इंस्टाग्राम पे आकर ले सकते हो। बाय द वे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।